नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्षित चौबे और आज हम बात करेंगे आयरलैंड और ओमान के बीच जो वर्ल्ड कप का क्वालिफायर मैच खेला जाने वाला है उसके बारे में। पूरा पॉसिबल 11 डिस्कस करेंगे, कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ड्रीम 11 की क्या टीम बन रही है, किन प्लेयर्स के साथ हमें जाना है। यार आज के मैच में एक बार फिर से फर्स्ट मैच है और जब भी फर्स्ट मैच होता है ना तो कई सारे लोग गलत प्लेयर को कैप्टन करते हैं और इस वाले मैच में भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एक गलत प्लेयर को कैप्टन कर रहे हैं, गलत प्लेयर्स को ट्राई कर रहे हैं, लो सिलेक्शन प्लेयर्स को ले नहीं रहे भैया कोई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो लो सिलेक्शन में दिए हुए हैं। तो आज के मैच में मैं आपको दोस्तों डिफरेंट कैप्टन भी बताऊंगा, साथ ही साथ लो सिलेक्शन हाई रिवॉर्ड वाले प्लेयर्स तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। और यार आज के मैच में जो कैप्टन आप सोच रहे हो ना वो कैप्टन नहीं बनेगा, कोई दूसरा ही प्लेयर कैप्टन बनते हुए नजर आएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सारा कुछ प्रेडिक्शन आपको वीडियो के अंदर मिलेगा। फर्स्ट मैच है भैया, फर्स्ट मैच में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आज विन करने के, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कुछ डिफरेंट करने के, और जब भी डिफरेंट करने को होता है तो भाई क्रिक ब्रेन आपको डेफिनेटली विन करा के देता है। ग्रैंड लीग की पूरी 10 टीम वीडियो के अंदर लेके आया हूँ, ग्रैंड लीग के भी हाई चांसेस इस मैच के अंदर, और साथ ही साथ पूरी 20 टीम के साथ भाई मैं तो इस मैच में पूरी 20 टीम के साथ जाऊंगा और आपको भी पूरी 20 टीम प्रोवाइड होंगी। कहां पे प्रोवाइड होंगी भाई, पूरी 20 टीम्स तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, बाकी जो 10 टीम है वो वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा। हर एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, हर एक प्लेयर के बारे में, कोई भी प्लेयर नहीं छूटेगा। और कुछ ऐसे प्लेयर हैं भैया लोग जान नहीं रहे, उनको समझते नहीं, और सिलेक्शन परसेंटेज में देख रहा हूँ 10-12% है, जबकि वो बहुत ही कमाल का प्लेयर है। हो सकता है थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है 40% के आसपास पहुंच जाए, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको फिर भी लोग मोस्टली लोग इग्नोर कर देंगे, वही प्लेयर हमें विन कराएंगे। तो चलिए आज के मैच के बारे में बात करते हैं। उसके पहले यार मेरा जो भी दोस्त पहली बार आया है तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में, लगातार मैं वीडियोस भी कवर कर रहा हूँ, आपको TNPL की टीम भी देता हूँ, TNPL का वीडियो भी आता है, और वर्ल्ड कप क्वालिफायर के जो ये वाले मैचेस हैं ना, लोगों के पास नंबर्स नहीं भी है, और ना ही नंबर्स है ना ही प्रेडिक्शन है, मैं आपको नंबर्स भी दूंगा और साथ ही साथ प्रेडिक्शन भी दूंगा। बहुत ही तगड़ा आज का मैच हमारा रहने वाला है, तो आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट तक रुकना। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, कुछ भी हेल्पफुल लग रहा हो, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार बेनिफिट हो सकता है या बेनिफिट आपको हो रहा है, तो आप फिर वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए सीधा मैच के बारे में हम आ जाते हैं। उसके पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, लास्ट मैच में काफ़ी बढ़िया विनिंग्स हुई है, वुमेन मैच मैंने कवर किया था, इसके बाद तो यार कोई मैचेस अभी तक हुए नहीं है जो मैंने कवर किए या कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लास्ट मैच में काफ़ी बढ़िया विनिंग्स हुई है, विनिंग्स नए लोगों के लिए है, क्योंकि उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है कि भाई लास्ट मैचेस में आप करके क्या आ रहे हैं, क्या आप सही में विन कर रहे हैं, क्या आपका रिजल्ट रहा है। तो भाई लास्ट मैच में क्लीन स्वीप किया है, उसके बाद TNPL का एक और मैच आज दिन में हो चुका होगा, वीडियो तो मैं शाम को अपलोड करूंगा, वीडियो पहले रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें भी आई होप काफ़ी बढ़िया हम विनिंग्स करने वाले हैं। तो ये विनिंग्स लेकिन किसकी हुई है भाई, जो टेलीग्राम चैनल पे है ना, जो टेलीग्राम चैनल का ऑलरेडी पार्ट बन चुका है, ये विनिंग्स उन्हीं लोगों की हुई है। और टेलीग्राम, ये वाला टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, फ्री में ज्वाइन करना है, कोई भी पैसा आपको देना नहीं है, टॉस के बाद अपडेट भी मिल जाएगी। साथ ही साथ यार इस मैच में यार ग्रैंड लीग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं, तो ग्रैंड लीग की जो 20 टीम्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, 10 टीम्स तो मैं आपको वीडियो में भी दूंगा, बाकी जो 10 टीम्स होंगी टॉस के बाद मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। स्मॉल लीग की टीम भी आपको मिलेगी, टॉस की अपडेट भी मिलेगी, कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर मिस हो जाता है तो हम उसकी जगह किस प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक से नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाना, फर्स्ट कमेंट पे आप टैप करना, क्रिक ब्रेन टेलीग्राम नाम से आपको लिंक मिलेगी, उससे आप सीधा टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं पिच रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे, पिच के बारे में भी करेंगे। उसके पहले भैया ये देख लो यार, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना भाई, सब्सक्राइब करके आप ही का प्रॉफिट होने वाला है। कैसे प्रॉफिट होगा, लगातार वीडियोस तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको टीम्स भी मिल रही है, और वीडियोस में यार कोई आपको ग्रैंड लीग की टीम्स नहीं देगा यार, मैंने देखा यार एक टीम फाइनली सारे स्टैट्स सारे नंबर्स लोग रीड करके चले जाएंगे, फाइनली एक टीम आपको दे देंगे और स्मॉल लीग की वो टीम होगी। ग्रैंड लीग का प्रेडिक्शन कोई भी आपको नहीं दे रहा, ना ही आपको टीम्स दे रहा है, मैं वीडियो में भी टीम देता हूं आपको और साथ ही साथ अपडेट करके टेलीग्राम पे भी देता हूं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अगर पसंद आए तो लास्ट तक रुकना और फिर लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आ रहा तो भाई डिसलाइक भी कर दो, ऑब्वियस सी बात है यार पसंद नहीं आएगा तो क्यों लाइक करेंगे, लेकिन आई होप आपको पसंद आएगा। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा पिच रिपोर्ट से बात शुरू करते हैं, मेन बात यहाँ से शुरू हो गई। इसके पहले वाला जो पार्ट था ना वो उन लोगों के लिए था जो मेरे नए दोस्त मुझे पहली बार देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और काफ़ी सारे लोग जानते भी हैं कि भाई बहुत ही तगड़ी विनिंग्स हो रही है, तो वो इसके पहले वाले पार्ट को स्किप कर दिया करें, यहाँ से अपना मेन वीडियो स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आप अब बिल्कुल भी पार्ट स्किप मत करना, अब भाई कुछ स्किप मत करना, अब सीधा हम पिच रिपोर्ट पे आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज का मैच है, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में ये मैच होगा, बुलवायो में मैच खेला जा रहा है,
लास्ट थ्री मैचेस देख लो कितना क्या स्कोर हुआ है, जिससे हमें समझ आए कि भाई बैटिंग सरफेस है कि बॉलिंग सरफेस है, कितना क्या हमें स्कोर देखने को मिला है। लास्ट थ्री मैचेस देखोगे 210 रन बने, 194 बने, 241 बने, और लास्ट थ्री मैचेस में 17 विकेट पेसर्स ने निकाले, स्पिनर्स ने 32 विकेट निकाले। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो सकता है, दोनों ही टीम में बढ़िया बॉलर्स हैं, बॉलर्स थोड़े से बेहतर हैं, बैटिंग सेक्शन से बात करें तो उतने ज़्यादा बेहतर बैट्समैन नहीं है, लेकिन ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन दोनों ही के पास बहुत ही तगड़े हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है भाई दोनों ही टीम ठीक, एक ही मैं दोनों को एक ही उस पर रखूंगा। ओमान को आप वीक नहीं समझना भैया, ओमान के मैचेस कम होते हैं लेकिन ओमान के मैचेस मैं खेलता हूँ, और भाई ओमान भी अच्छी टीम है यार। ऐसा नहीं है कि आप आयरलैंड को इंटरनेशनल मैचेस खेलते हुए देखते हैं तो आप सोचे कि नहीं यार आईआर ही स्ट्रांग है, ओमान वीक है, तो आप सारे आईआर के ही प्लेयर्स ट्राई कर लो। ओमान के भी कुछ बहुत ही कमाल के प्लेयर्स हैं, 4 से 5 प्लेयर ओमान के भी आज के मैच में अच्छा कर सकते हैं, तो आप ओमान के भी अपनी टीम में प्लेयर्स रखें। तो यहाँ पे मेरा क्या कहने का मतलब है, अगर आयरलैंड फर्स्ट बैट करती है तो थोड़ा सा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़िया स्कोर दिखेगा, हो सकता है 250 के आसपास आयरलैंड पहुंच जाए, और अगर ओमान फर्स्ट बैट करती है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 20 से 30 रन ओमान कम बनाएगी। ओमान भी 200 के ऊपर तो आराम से पहुंच रही है, ओमान की बैटिंग सेक्शन में और ऑलराउंडर सेक्शन में अच्छी खासी दम है। तो ये दोस्तों हमने देख लिया, बाकी स्पिनर्स पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, इस पिच पे स्पिनर्स ने विकेट्स निकाले, पिच रिपोर्ट भी मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैटर्स को थोड़ा सा सपोर्ट होता है और साथ ही साथ स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं, तो स्पिनर्स पे थोड़ा सा गौर कर लेना, जो क्वालिटी के स्पिनर है उनको आपको रखना है। और साथ ही साथ यार ये मत भूल जाना कि ODI है, ODI T20 नहीं है, ODI में हमेशा आपने देखा होगा डेथ ओवर स्पेसर्स डालते हैं, तो जो क्वालिटी के पेसर्स है जो पूरे अपने 5 ओवर डेथ में डालेंगे उनको भी अपनी टीम में डेफिनेटली रख लेना। तो यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर ली, अब हम सीधा पॉसिबल 11 पे आ जाते हैं। आयरलैंड का पॉसिबल 11 ये रहा है, बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी मैं भी आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ कौन से क्या प्लेयर्स हैं। यहाँ पे पॉल स्टर्लिंग ओपनिंग करते हुए दिखाएंगे, और उसी के साथ मैकब्राइन, बलबर्नी, हैरी टेक्टर, टकर, कैम्फर, डॉकरेल, डेलानी, मार्क एडर, क्रेग यंग, और यहाँ पे जोशुआ लिटिल, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये है। और बैटिंग ऑर्डर से हमें समझ आता है कि भाई किस प्लेयर के पास थोड़ा सा मौका ज़्यादा है, किस प्लेयर को हमें अपनी टीम में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए अब मैं सीधा प्लेयर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, किस प्लेयर को मैं अपनी टीम में जगह दे रहा हूँ और क्यों दे रहा हूँ, कितना क्या उसका एवरेज है, क्या नंबर्स बोल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉल स्टर्लिंग के बारे में, यहाँ पे देख सकते हो 38 का एवरेज है, विकेट्स भी निकाले हैं 43, लेकिन रिसेंटली मैचेस में बॉलिंग नहीं करते हैं, अभी नहीं करते हैं बॉलिंग, बहुत ही रेयर है कि बॉलिंग करें, और मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं करेंगे, आपके पास इतने बेहतर ऑलराउंडर तो आपको बॉलिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 38 का एवरेज है, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर आयरलैंड के अंदर, लास्ट मैच भी देख लो 60 रन किए हैं, और आपने बैटिंग अगर देखी हो तो यार स्टर्लिंग बहुत ही कमाल का खेलते हैं, बहुत ही खतरनाक खेलते हैं, शुरुआत में ही बड़े शॉट्स लगाना चालू कर देते हैं, अगर 10 ओवर टिक जाते हैं तो 50-60 आराम से बना सकते हैं। तो पॉल स्टर्लिंग आज के मैच में ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल आप अपनी टीम में रख लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना, काफ़ी सारे लोग यही गलती करते हैं, यहाँ पे बैट्समैन और बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन आपको नहीं करना है इन मैचेस के अंदर, इन मैचेस के अंदर ऑलराउंडर को करो या तो बॉलर को करो, क्योंकि सामने वाली टीम दोनों ही टीम के ऑल आउट होने के चांसेस होते हैं, या तो ऑलराउंडर जो होता है वो बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट्स देता है। तो स्टर्लिंग टीम में रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन ही रहेंगे। एंडी मैकब्राइन के बारे में बात करें, 17 का एवरेज, बैटिंग खास नहीं, बॉलिंग बढ़िया है, बॉलिंग बढ़िया है, और बॉलिंग में पूरे ओवर्स डालते हैं, पूरे ओवर्स डालने को मिल रहे हैं, और स्पिनर्स को सपोर्ट भी है, स्पिनर है तो टीम में रख लो, कैप्टन वाइस कैप्टन इनको भी नहीं करना, इनको भी नहीं करना है, थोड़े से और एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाओ। हालांकि देखोगे एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक हो गया है, लेकिन बैटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, और मुझे लग रहा है शायद से ओपनिंग भी ना आए शायद से, और थोड़ा सा बैटिंग ओवर नीचे भी हो सकता है, आपके पास और बढ़िया बैट्समैन है तो आप उनसे ओपनिंग करा सकते हैं। एंडी बेलबर्नी के बारे में बात करें, 95 मैचेस में 32 का एवरेज है, बढ़िया प्लेयर है, टीम के कैप्टन भी है, आप अपनी टीम में डेफिनेटली रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा मुश्किल है कि स्मॉलिंग में रखूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा बैटिंग सेक्शन में कुछ ऐसे बैट्समैन दे के रखे जो बॉलिंग भी करते हैं, तो भाई उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दे लो, क्योंकि यार अगर बैटिंग में फेल हो गए तो आप गए, और अगर उनके पास बॉलिंग का ऑप्शन है तो बॉलिंग से पॉइंट्स दिला सकते हैं। तो बलबर्नी को रखना है तो आप रख सकते हैं, स्मॉल लीग में शायद मेरी टीम में नहीं रहेंगे, बाकी टॉस के अकॉर्डिंग मैं जाऊंगा, फर्स्ट बैट आती है तो रख सकता हूं। हैरी टेक्टर के बारे में बात करें, 32 मैचेस में 53 का एवरेज, भाई बहुत ही कमाल का प्लेयर मिला है आयरलैंड को, और इंडिया के खिलाफ तक अच्छा किया था, इंडिया और आयरलैंड की जो सीरीज थी लास्ट ईयर T20 में फोड़ा हुआ था। हैरी टेक्टर बेहतरीन बैट्समैन, और रीसेंट फॉर्म भी देख लो, बहुत ही अच्छा फॉर्म चल रहा है, 45 रन बनाए, 140 रन बनाए, 21 रन बनाए, हर मैच में बैटिंग से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, T20 में तो बॉलिंग भी करते हैं, इसलिए लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे भी क्या बॉलिंग करेंगे, और बॉलिंग और बैटिंग ऑलराउंडर के चलते लोग इनको कैप्टन कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं भाई मैंने रिसेंटली मैचेस देखे हैं, ODI में बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो कैप्टन आप फिर भी कर सकते हो, क्योंकि यार एवरेज ही देख लो, 53 का एवरेज है, एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है लेकिन एवरेज बहुत ही खतरनाक है, कैप्टन आप कर सकते हो,
मेरा कैप्टन कोई और है, मेरा कैप्टन कोई और है, और 50-60% कैप्टन हैरी टेक्टर रहने वाला है। मेरा कौन सा कैप्टन है आगे आपको बताऊंगा, बने रहना। टकर के बारे में बात करें, बढ़िया प्लेयर है, 20 का एवरेज है, विकेट कीपिंग सेक्शन में और हमारे पास बेहतर चॉइस है भी नहीं, तो आप टकर के साथ जा सकते हैं। ज़्यादा स्कोर एक्सपेक्ट मत करना, 20-30 रन फिर से बना सकते हैं। बाकी नेक्स्ट प्लेयर के बारे में अगर हम दोस्तों बात करें, कर्टिस कैम्फर, बढ़िया ऑलराउंडर, 28 का एवरेज और विकेट भी 20 निकाले हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन प्लेयर बहुत ही कमाल का है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से मौका, और जिस भी प्लेयर के पास बैटिंग बॉलिंग दोनों से मौका रहे वो प्लेयर डेफिनेटली आपके लिए अच्छा हो जाता है। रीसेंट फॉर्म भी देखोगे, ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, आज के मैच में कुछ ना कुछ करके देंगे, अपनी टीम में डेफिनेटली रहेंगे। डॉकरेल के बारे में दोस्तों बात करूँ, बहुत ही कमाल का प्लेयर है और एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। एक्सपीरियंस आप देखेंगे तो स्टर्लिंग के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉकरेल को है। बैटिंग भी अच्छी करते हैं, 20 का एवरेज है रिसेंटली, ये देखो 74 भी बना के आ रहे हैं। साथ ही साथ अपनी टीम के लिए बॉलिंग करते हैं, पूरे 10 ओवर मिलते हैं, यही वो प्लेयर है जो हमें विन कराएगा। मैं यहीं पर राज खोल देता हूँ, हालांकि मेरा पूरा मन था मैं लास्ट तक आपको रोकूँ और वहाँ पर राज खोलूँ, ये प्लेयर हमें विन कराएगा। क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज देखो, हालांकि अब लोग वीडियो देख रहे हैं तो कुछ लोग वीडियो से अपनी टीम में रख लेंगे तो सिलेक्शन परसेंटेज धीरे धीरे थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अभी मैं देख रहा था 12% लोगों ने लिया, सिर्फ 12% ने लिया है। बॉलर भी खतरनाक है भाई, बैट्समैन भी खतरनाक है, तो आज के मैच में डॉकरेल से मैं थोड़ा और अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डॉकरेल हमें विन करा सकते हैं, कुछ विकेट्स हैं, 10 ओवर्स पूरे हैं तो कुछ विकेट्स भी निकाल सकते हैं, और बैटिंग से भी बैटिंग आ ही जाएगी, जहाँ तक बैटिंग आ जाएगी, क्योंकि ओमान की बॉलिंग भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि भाई 10 विकेट से आयरलैंड जीत जाएगी, बैटिंग ही नहीं आएगी, बैटिंग आ जाएगी, ओमान की बॉलिंग भी अच्छी है। डेलानी के बारे में बात करें, एक्सपीरियंस कम, और एक्सपीरियंस कम है तो क्या स्मॉलिंग में ट्राई करना है? बिल्कुल नहीं करना है। मार्क एडर बहुत ही बढ़िया बैट्समैन और बहुत ही बढ़िया बॉलर, बॉलर थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं, बैटिंग सेक्शन में थोड़े नीचे दे के रखें, बैटिंग भी अच्छे करते हैं। 19 का एवरेज है, 41 विकेट निकाले हैं, लास्ट मैच देख लो 20 रन 4 विकेट। आज के मैच में मार्क अडेयर भी ठीक करेंगे, मार्क अडेयर भी बढ़िया करने वाले हैं, जीएल के लिए कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है, आप रख सकते हैं। क्रेग यंग, एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है लेकिन विकेट्स काफ़ी अच्छे हैं, 37 मैचेस में 60 विकेट निकाले हैं। फर्स्ट बॉल अगर आयरलैंड की आ रही है तो फिर आप क्रेग यंग को डेफिनेटली अपनी टीम में रखना, डेथ ओवर्स डालेंगे फिर से कुछ ना कुछ विकेट्स ले जाएंगे। जोशुआ लिटिल के बारे में सभी जानते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, 28 मैचेस में 42 विकेट निकाले हैं, लेकिन क्रेग यंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादा बेहतर नंबर्स किसके हैं? क्रेग यंग के हैं, लेकिन लोग जानते हैं जोशुआ लिटिल को क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं। तो क्रेग यंग अगर प्लेइंग 11 में है और फर्स्ट बॉल आ रही है तो क्रेग यंग को भी मिस मत कर देना, 2-3 विकेट ले जा सकते हैं, रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। तो ये दोस्तों हमने आयरलैंड के प्लेयर्स के बारे में बात कर लिया, यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बता दिया, और कौन से प्लेयर मेरी टीम में रहेंगे वो मैं आपको टीम ओपन करके बताऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं और किसी को मौका मिल रहा है कि नहीं। यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग यार मौका नहीं मिल पा रहा है, किसको मिलेगा? मैकार्थी को मिलता है तो बढ़िया प्लेयर है, अच्छे स्टैट्स हैं, हालांकि नहीं मिलेगा मैकार्थी को भी नहीं मिलेगा, मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा कि हमें टीम में अपनी रखना है कि नहीं रखना है। यहाँ पे दोस्तों प्लेयर्स के बारे में हमने बात कर ली, अब हम आ जाते हैं सीधा ओमान के प्लेयर्स के बारे में, ओमान की पॉसिबल 11 के बारे में। ये पार्ट आयरलैंड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयरलैंड के बारे में आप फिर भी जानते होंगे, काफ़ी सारे मैचेस आपने देखे होंगे, इंडिया से भी मैचेस होते हैं, ओमान के मैचेस कम होते हैं। ओमान के इंडिया से तो मैंने तो नहीं देखा भाई, वर्ल्ड कप में ही कभी हुआ होगा, हालांकि ओमान के मैचेस थोड़े से कम ही होते हैं। तो यहाँ पे ओमान के पॉसिबल 11 और स्टैट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कर देना, स्किप करोगे तो फिर भाई कोई सेंस नहीं है, फिर आप विन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे पॉसिबल 11 रीड कर सकते हो, मैं भी आपके लिए रीड कर देता हूँ। प्रजापति, जितेंद्र सिंह, इलियास मकसूद, शोएब खान, अयान खान, नसीम खुशी, और यहाँ पे देख सकते हो नदीम, फयाज बट, बिलाल खान और कलीमुल्ला। पॉसिबल 11 आप रीड कर सकते हो, यही बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, मोस्ट प्रोबेबली यही बैटिंग ऑर्डर रहेगा और यही पॉसिबल 11 रहेगा। कोई भी अगर चेंजेस होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा। चलिए सीधा प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले प्रजापति नाम ही उनका प्रजापति है, और एवरेज भी देख लो, एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, एवरेज बढ़िया है तो क्या करना है? मैं फ़िलहाल नहीं ले पा रहा हूँ अपनी टीम में, और फर्स्ट बॉल अगर आती है तो अगर आपको रखना है तो आप रख लो, मेरी टीम में तो फिलहाल नहीं रहेंगे। और प्लेयर अच्छे हैं, बैटिंग अच्छी है, लेकिन यार मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि ऐसे मैचेस में थोड़ा ऑलराउंडर पर ज़्यादा फोकस किया करो, और बैटिंग सेक्शन में भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हमें दे के रखें जो बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ ज़्यादा जाना प्रेफर करूँगा, प्रजापति के साथ मैं नहीं जा पा रहा हूँ। प्लेयर अच्छे हैं, प्लेयर में कोई कमी नहीं है, एवरेज भी आप देख सकते हो, 29 का एवरेज काफ़ी बढ़िया होता है। यहाँ पे दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करें, जितेंद्र सिंह 1000 रन ऑलरेडी बना चुके हैं, 31 का एवरेज है, फॉर्म भी अच्छा है। भाई इन प्लेयर्स के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा यार, ये बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं। लास्ट ईयर मैंने T20 मैचेस खेले थे, ओमान, कतर वगैरह छोटी टीम्स के मैचेस थे, बहुत बढ़िया इन्होंने विन कराया था, काफ़ी अच्छी बैटिंग है, और आज के मैच में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ
कि बैटिंग सेक्शन से अगर कोई बढ़िया कर सकता है तो एक जतेंद्र सिंह है, एक ट्रैक्टर है, दोनों बैटिंग सेक्शन से आपको बढ़िया करके दे सकते हैं। तो जतेंद्र सिंह को भी टीम में से मिस मत करना, बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन जीएल की एक आध टीम में वाइस कैप्टन रख सकते हो। इलियास के बारे में बात करें, बढ़िया प्लेयर है, 58 का एवरेज है, बहुत ही तगड़ा एवरेज है, बॉलिंग भी कर रहे हैं भाई, बॉलिंग भी कर रहे हैं और 58 का एवरेज है। एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है लेकिन जितने भी मैचेस खेले हैं बहुत बढ़िया किया है। तो अगर इलियास आज का मैच खेल रहे हैं तो अपनी टीम में तो भाई डेफिनेटली रहेंगे, बाकी लोगों का पता नहीं भाई, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं अपनी टीम में रख लेना, बॉलिंग बैटिंग दोनों से मौका। और प्लेयर ने अच्छा भी किया, ऐसा नहीं है कि मौके के चलते सिर्फ ले रहे हैं, प्लेयर ने अच्छा किया भी हुआ है। तो इलियास आज के मैच में अच्छी पिक रह सकते हैं, आप अपनी टीम में रख सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में देके रखें, बैटिंग सेक्शन में है भी नहीं तो आप आसानी से अपनी टीम में ले सकते हो। जिशान मकसूद बेस्ट प्लेयर, सबसे ज़्यादा मैं इन्हीं पे थोड़ा सा भरोसा कर रहा हूँ इस मैच के अंदर, मेरी टीम के कैप्टन होंगे, क्यों होंगे नंबर्स दिखा देता हूँ। 35 मैचेस 32 का एवरेज, मतलब बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग देख लो 48 विकेट, स्पिनर है, विकेट्स भी निकाले और मैंने पिच रिपोर्ट आपको बताई, स्पिनर्स को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट है तो बॉलिंग भी करेंगे। 35 मैचेस में 48 विकेट, अच्छे खासे बॉलर हैं, मतलब अच्छे बॉलर हैं। साथ ही साथ आप देखोगे 32 का एवरेज है। तो जिशान मकसूद आज के मैच में कैप्टन की बहुत ही बेहतर चॉइस होने वाले। लोग हैरी टेक्टर को कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है शायद हैरी टेक्टर बॉलिंग भी करेंगे, T20 में बॉलिंग करते हैं, लेकिन ODI में पिछले कुछ मैचेस में तो नहीं किए, अगर मैच में कुछ उल्टा ही हो जाता है तो बॉलिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आयरलैंड के पास वैसे भी बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं, रीसेंट फॉर्म भी देख लो, बैटिंग से भी रन, बॉलिंग से भी विकेट, लास्ट मैच 1 विकेट, 40 रन 4 विकेट, 56 रन 2 विकेट, बैटिंग भी तगड़ी बॉलिंग भी तगड़ी। तो भाई ऐसे प्लेयर को आप अपने टीम में कैप्टन जरूर कर सकते हैं, वाइस कैप्टन मोस्टली लोग रहेंगे, मेरी टीम में हो सकता है मैं जिशान मकसूद को ही कैप्टन रखूँ, ये हमारी टीम के डिफरेंट कैप्टन हो सकते हैं। शोएब खान के बारे में बात करें, नंबर्स ठीक ठाक बोल रहे हैं लेकिन यार बॉलिंग नहीं करते हैं, और मैं थोड़ा सा बैटिंग सेक्शन से ज़्यादा भरोसेमंद प्लेयर्स के साथ जाना चाह रहा हूँ, शोएब खान को मैं नहीं रख रहा हूँ, बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा नीचे है, कितनी क्या बैटिंग मिलेगी कहना मुश्किल है। आयान खान के बारे में बात करें, 31 का एवरेज, एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना भी किया है बहुत तगड़ा किया है, बॉलिंग से भी विकेट्स निकाले हैं, बैटिंग से भी अच्छा किया है। आज का मैच अगर खेलते हैं टीम में डेफिनेटली रखना है, टीम में रख लेना। ये मैच यार वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि आयरलैंड के 8 प्लेयर, ओमान के 3 प्लेयर, ऐसा नहीं है, ओमान में भी अच्छे प्लेयर्स हैं, तो आप 6-5 के कॉम्बिनेशन बना सकते हो या 5-6 का बना सकते हो या 7-4 का बना सकते हो, ऐसा नहीं कि 9-2 का बना दिया आपने, अगर आप ड्रीम 11 में खेल रहे हो तो पॉसिबल है, लेकिन ओमान के भी प्लेयर्स आपको अपनी टीम में रखना है। आयान खान बढ़िया चॉइस है। खुशी के बारे में बात करें, 15 का एवरेज, बात ही नहीं करेंगे भाई, जब प्लेयर ने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है तो उसके बारे में फालतू हम टाइम उस पर दें, इससे अच्छा हम दूसरे प्लेयर के बारे में बात कर लें। मोहम्मद नदीम T20 के स्टैट्स हैं, 30 मैचेस में 35 विकेट, नहीं कर रहा है ट्राई, बॉलिंग सेक्शन से वैसे भी ज़्यादा चॉइसेस हमारे पास नहीं है, ऑलराउंडर्स ही 5-6 भर के रखें, और बैटिंग सेक्शन में भी हमें ट्राई करना होगा तो बॉलिंग से हम थोड़ा सा कम ही प्लेयर्स के साथ जाएंगे। फयाज बट 16 मैचेस 16 विकेट, फर्स्ट बॉल आती है तो रख सकते हो। बिलाल खान बेहतरीन बॉलर, आप उनके भी स्टैट्स देख लो, जॉशुआ लिटिल के भी स्टैट देख लो, यंग के भी स्टैट देख लो और बिलाल खान के देख लो, 36 मैचेस में 76 विकेट, बहुत ही खतरनाक बॉलर, बहुत ही बढ़िया बॉलर है, 4-4 5-5 विकेट भी निकाले हैं। जब मैं इनके मैचेस खेलता हूँ तो भाई कैप्टन बनते हुए भी कई बार नजर आते हैं, और यहाँ पे तो पूरे 10 ओवर डालेंगे, 3-4 विकेट कहीं नहीं गए। तो आज के मैच में कैप्टन भी अगर डिफेंड करना है तो फर्स्ट बॉल में इनको रख सकते हो कैप्टन, अदरवाइज ग्रैंडी की 1-2 टीम में कैप्टन रख लेना। कलीमुल्ला बढ़िया बॉलर है, फर्स्ट बॉल अगर आती है तो डेथ ओवर्स डालेंगे, 34 मैचेस में 32 विकेट निकाले हैं, रीसेंट फॉर्म ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट बॉल आती है तो कलीमुल्ला को आप अपनी टीम में रख सकते हो। ये दोस्तों मैंने आपको प्लेयर्स के बारे में बता दिया, हर एक प्लेयर के बारे में किसे किस कंडीशन में ट्राई करना है, कौन सा डिफरेंट प्लेयर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूँ GL में हमें कैप्टन वाइस कैप्टन किसे करना है, IPL में भी बताता था, TNPL में भी बताता हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, यही डिफरेंट सेक्शन होता है जो यार इस वीडियो को बाकी वीडियो से अलग बनाता है। काफ़ी सारे लोग यार नंबर्स तो सभी आपको बता देंगे लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ना, ये GL विन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी आपको नहीं बताएगा ना ही कोई आपको टीम्स दिखाएगा। चलिए कॉमन GL कैप्टन्स देख लेते हैं, टर्टल लिखा है यहाँ पर, ट्रैक्टर है भाई आपको पता ही होगा, ट्रैक्टर मकसूद और शाहरुख खान, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं GL के कैप्टन की चॉइसेस हैं। ये यार यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है, शाहरुख खान नहीं होंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टर्लिंग को देख सकते हैं, स्टर्लिंग आज के मैच में कैप्टन बन सकते हैं, तो स्टर्लिंग यहाँ पे चॉइस होगी। बाकी दोस्तों हम बात करें, ये TNPL वाला छप गया, सॉरी दोस्तों इसको इग्नोर करो, मोस्टली कॉमन GL कैप्टन यही है तो आप इन दोनों तक ही रखो, इसको कट कर दो, इसको मत मानो। हैरी टेक्टर और जिशान मकसूद स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में मोस्टली यही आपके कैप्टन वाइस कैप्टन बनते हुए नजर आएंगे, अगर नॉर्मल मैच होता है तो इनको रखना है, बाकी अगर डिफरेंट GL कैप्टन ट्राई करना है, अगर मैच कुछ अलग होता है, थोड़ा बहुत भी अलग होता है, तो मार्क अडेयर एक अच्छी चॉइस है, कर्टिस कैम्फर और जितेंद्र सिंह, ये 3 चॉइसेस को मैंने रखा है डिफरेंट GL कैप्टन में,
मार्क अडेयर को आप जानते हैं भाई, डेथ ओवर्स डालेंगे, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, बैटिंग भी है। कर्टिस कैम्फर भी एक बढ़िया चॉइस है, और जितेंद्र सिंह, ये तीन डिफरेंट चॉइस है और दो कॉमन जीएल कैप्टन चॉइस है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी अब हम बात करते हैं लो सिलेक्शन बिग रिवॉर्ड वाले प्लेयर्स के बारे में। लो सिलेक्शन बिग रिवॉर्ड वाले प्लेयर्स मतलब जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 30-40% हो, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हो और प्लेयर ही बहुत खतरनाक हो। सबसे पहला नाम डॉकरेल, मेरी टीम में किसी भी हालत में मिस नहीं होंगे। सिलेक्शन परसेंटेज 12%, पता नहीं लोगों को नाम दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं उसमें ड्रीम इलेवन में जहाँ पे टीम लोग बना रहे हैं शायद नाम ही नहीं दिख रहा है, नोटिस ही नहीं हो रहा है। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बॉलिंग भी करेंगे बैटिंग भी करेंगे, बैटिंग भी आई जाएगी, तो डॉकरेल आज के मैच में डिफरेंट चॉइस हो सकते हैं। कलीमुल्ला लोग इग्नोर कर रहे हैं, डेथ ओवर्स डालता भैया बंदा और विकेट्स ले जा सकता है, बिल्कुल विकेट्स ले जा सकता है और फर्स्ट बॉल आती है तो आप अपनी टीम में रख सकते हैं। बाकी क्रेग यंग और आयान खान, जिसकी फर्स्ट बॉल आ रही है इनमें से किसी एक को रख लेना। अगर फर्स्ट बॉल किसकी आ रही है, अगर आयरलैंड की आ रही है तो क्रेग यंग को रख लेना, डेथ ओवर्स डालेंगे, मिडिल ओवर्स पर भी बॉलिंग करते हैं, विकेट्स ले जाएंगे, स्टैट्स आपने देखा लिटिल से भी अच्छे हैं। और आयान खान भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, अभी मैंने आपको ये स्टैट्स दिखा, यंग प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, तो दोनों से पूरा मौका रहेगा, आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हैं। तो ये दोस्तों सारा हमारा प्रेडिक्शन रहा, स्मॉल लीग में क्या करना है, ग्रैंड लीग में क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। लो सिलेक्शन वाले कौन से प्लेयर आज के मैच में कमाल कर सकते हैं, कौन सा प्लेयर हमें विन कराएगा, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी अब हम सीधा चलते हैं टीम्स पर, मैंने क्या स्मॉल लीग की टीम बना के रखी है और क्या मैंने 10 ग्रैंड लीग की टीम बना के रखी है उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले जो भी मेरा दोस्त पहली बार आया वो चैनल पर सब्सक्राइब कर सकता है और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं टीम्स की तरफ और देख लेते हैं क्या हमारे जीएल कॉम्बिनेशंस रहेंगे। चलिए दोस्तों टीम के बारे में बात करेंगे, उसके पहले थोड़ा और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा और इम्पॉर्टेंट क्या है भाई, टेलीग्राम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको अभी टीम्स बताऊंगा ना, हो सकता है फर्स्ट मैच है तो कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर ना खेले जो मैंने अपनी टीम में लिया हो, तो चेंजेस करने होंगे भैया, और चेंजेस होने के बाद फाइनल जो अपडेटेड टीम रहती है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। पूरी 20 टीम के साथ जाऊंगा भाई, आज के मैच में ग्रैंड लीग के बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैं आपको क्लियर कट मैचेस में बता देता हूँ कि आज का मैच ग्रैंड लीग के लिए अच्छा है कि नहीं है। लोग आपको भाई बेमतलब में जिस मैच में ग्रैंड लीग के चांसेस नहीं होते उस मैच में भी आपको खिलवा के फंसवा देते हैं और भाई टीमें बाहर हो जाती हैं कॉन्टेस्ट से, आप देखते हैं। लेकिन इस मैच में ग्रैंड लीग के चांसेस है मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, इसलिए मैं पूरी 20 टीम के साथ जाऊँगा। 20 टीम अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट पे टैप करोगे तो भी आप सीधा टेलीग्राम पे पहुंच सकते हो, क्रिकबिन टेलीग्राम नाम से लिंक है, फ्री में ज्वाइन करना है, कोई भी नहीं पैसा देना है यहाँ पे। बाकी देख सकते हो लगभग हर मैच की मैं आपको टीम दे देता हूँ और पहले ही बता देता हूँ भाई ग्रैंड लीग के लिए अच्छा मैच है कि नहीं है, ग्रैंड लीग की टीम्स आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो इस वाले मैच में ग्रैंड लीग की टीम्स आपको मिलेंगी, टेलीग्राम पे फाइनल टीम मिल जाएगी, पूरी स्मॉल लीग की टीम भी और ग्रैंड लीग की टीम भी। तो आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, बाकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाते हैं, और साथ ही साथ कई मैचेस के वीडियोस में नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट टीम देता हूँ तो वो आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाती है, तो टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा। बाकी दोस्तों स्मॉल लीग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यार स्मॉल लीग में कुबेरा में खेलता हूँ, बाकी विनिंग स्क्रीनशॉट जो स्टार्टिंग में आपने देखे थे और कुबेरा के ही थे भाई, कुबेरा में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट होता है, कॉम्पिटिशन भी कम देखने को मिलता है। यार लॉस तो मैंने मतलब बहुत ही रेयर है कि कुबेरा में आपके सारे ही कॉन्टेस्ट बाहर हो जाए, सारे ही कॉन्टेस्ट हार जाओ, या तो एवरेज विनिंग्स होती है मेरी, या क्लीन स्वीप होता है, या हल्का सा लॉस होता है, ऐसा नहीं होता है कि अब पूरे कॉन्टेस्ट हार गए, कुबेरा में कंपटीशन कम है। साथ ही साथ तीन बैट्समैन लेने पड़ेंगे आज के मैच में, तीन बॉलर्स लेने पड़ेंगे, तो जहां ओपोनेंट फंसेगा वहीं हम विन कर जाएंगे, और मैं आपको बता दूं आज के मैच में चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो कुबेरा पे आप खेल सकते हो। बाकी एक और बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कुबेरा में, ये मैंने मान लो कोई भी मैच खोला है, यहाँ पे आप डुओ भी खेल सकते हैं, डुओ में सिर्फ एक प्लेयर को चूज़ करना है और सारा पैसा आप उससे कमा सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे आपको दिख जाएगा डुओ होता क्या है, डुओ कैसे खेलना है, सिर्फ एक प्लेयर को ये लास्ट मैच में भी मैंने दिया था, सिर्फ एक प्लेयर को चूज़ करके आप सारा पैसा कमा सकते हैं। तो आप कुबेरा को भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, लिंक से डाउनलोड करोगे तो 100 रुपीज़ आपको साइनअप बोनस में मिलेगा। स्मॉल लीग में कुबेरा पे खेलता हूँ, बाकी ग्रैंड लीग में ड्रीम इलेवन पे खेलता हूँ। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों स्मॉल लीग की फिलहाल टीम देख लेते हैं, पहली टीम मैंने स्मॉल लीग की बना के रखी है। विकेट कीपिंग सेक्शन से टकर ही चॉइस है, टकर के साथ ही जाएंगे, ज़्यादा इधर उधर भागने की कोशिश करो मत, खुशी का एवरेज ज़्यादा बेहतर नहीं है, टक्कर थोड़े से मौका भी मिलेगा और टक्कर बेहतर चॉइस भी है। मूर अगर खेलते हैं तो मूर के बारे में भी हम सोच सकते हैं, लेकिन मूर भाई नहीं खेल रहा है, जहाँ तक है नहीं खेलना है, तो टक्कर मेरी टीम में है। बाकी दोस्तों हम बात करें बैटिंग सेक्शन से, जितेंद्र सिंह डेफिनेटली टीम में आएंगे, स्टर्लिंग टीम में है, टैक्टर टीम में है, और साथ ही साथ डॉकरेल भी टीम में है, चारों को साथ मैं जा रहा हूँ। प्रजापति भी एक चॉइस है, प्रजापति को आप रख सकते हो, लेकिन प्रजापति के साथ मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा उन बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ जो बॉलिंग भी करते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं डॉकरेल तो भाई बैटिंग सेक्शन में मुझे नहीं समझ आ रहा है क्यों दिए, पूरे 10 ओवर डालेंगे, 10 नहीं डालेंगे तो 7-8 तो डालेंगे ही,
और साथ ही साथ बैटिंग भी आ जाएगी। बैटिंग ऑर्डर में भी हो सकता है प्रमोशन मिले, थोड़ा ऊपर बैटिंग करते हुए नजर आए। बाकी ट्रैक्टर से बॉलिंग की उम्मीद मुझे नहीं है आज के मैच में बॉलिंग करेंगे। जतेंद्र सिंह हो सकता है एक दो ओवर्स डालते हुए नजर आए, पिछले कुछ मैचेस में एक दो ओवर्स डालते हुए नजर आए, तो आज के मैच में भी हो सकता है डालते हुए नजर आए। बाकी बैटिंग तो काफ़ी अच्छी है। स्टर्लिंग को मैं रख रहा हूँ एक्सपीरियंस के चलते, बाकी स्टर्लिंग हो सकता है फाइनली मैं स्टर्लिंग को ड्रॉप करके किसी दूसरे प्लेयर्स के साथ चला जाऊँ, लेकिन स्टर्लिंग की मैं थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि भाई एक्सपीरियंस ज़्यादा है और सामने ओमान की टीम है तो कुछ ना कुछ तो कर ही जाएंगे, इसलिए स्टर्लिंग को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन से अगर हम बात करें, मकसूद टीम में, एलियास भी टीम में, और बाकी कर्टिस कैंपर टीम में है, और साथ ही साथ मार्क अडेयर भी मेरी टीम में। बाकी दोस्तों अगर आप फर्स्ट बॉल आ रही है आयरलैंड की तो फिर आप मैकब्राइन को रख सकते हो एलियास की जगह। मैकब्राइन फिर बॉलिंग करेंगे तो कुछ विकेट्स ले जाएंगे, और अभी जो बैटिंग ऑर्डर अवेलेबल है उसमें तो ओपनिंग बताया, लेकिन मुझे लग रहा है भाई ओपनिंग नहीं करेंगे। नीचे बैटिंग आएगी, बैटिंग उतनी अच्छी है नहीं, हो सकता है बलबर्नी ओपनिंग करते हुए नजर आए। बाकी बॉलिंग से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है मैं फिलहाल मैकब्राइन को ले लेता हूँ। अगर फर्स्ट बॉल आ जाती है किसकी, ओमान की, तो फिर मैं अपनी टीम में ओमान को रखूंगा। बाकी बॉलिंग सेक्शन से बात करें, बिलाल खान टीम में, जॉशुआ लिटिल टीम में, बाकी किसी को तो ले नहीं पा रहे हैं भाई, ले नहीं पा रहे हैं। मेरा मानना है कि भाई फर्स्ट बॉल अगर आ जाती है आयरलैंड की तो फिर मैं यंग को भी रखूं। बाकी तो किसी ने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है, सिर्फ यंग को अपनी टीम में जगह दे सकता हूं अगर फर्स्ट बॉल आ जाती है आयरलैंड की। फिलहाल यंग भी टीम में नहीं है, और अगर थोड़ा सा और अलग सोच रहे हो, अगर आपने वीडियो देखा है तो लिटिल से बेहतर एवरेज भाई यंग का है, लिटिल से बेहतर विकेट्स यंग ने निकाले, तो आप यंग को भी थोड़ी सी प्रेफरेंस देना, अगर मैनेज कर पा रहे हो तो अपनी टीम में रख लेना। बाकी फिलहाल नहीं है मेरी टीम में। कैप्टन मकसूद, 7% लोगों ने कैप्टन किया है हैरी टैक्टर को, 49% लोगों ने किया है, लेकिन मैं कैप्टनसी के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ प्लेयर के अकॉर्डिंग। प्लेयर ज़्यादा अच्छा कौन है, प्लेयर मकसूद ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, मेरी प्रेफरेंस है। क्यों है भाई, बॉलिंग भी देख लो ना यार, बॉलिंग देख लो, 35 मैचेस खेले हैं, 50 विकेट के आसपास निकाले हैं, बैटिंग में भी 32 का एवरेज है। हैरी टैक्टर का एवरेज बैटिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन प्लेयर के पास मौका बैटिंग और बॉलिंग दोनों से मकसूद के पास है। हैरी टैक्टर बॉलिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ बैटिंग अगर देख रहे हो तो टैक्टर के साथ चले जाओ, 50 के ऊपर एवरेज है भाई, 50 के ऊपर एवरेज बहुत होता है। और अगर ऑलराउंडर के तौर पर देख रहे हो तो मकसूद के साथ चले जाओ, मेरी टीम में फिलहाल मकसूद कैप्टन है। इस तरीके की कुछ स्मॉली की टीम हो रही है। बाकी मैं आपको ग्रैंडली की टीम जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। मकसूद के साथ मार्क अडेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है, बाकी प्लेयर्स आप इसमें देख सकते हैं। मैं ऑलराउंडर को ज़्यादा भरोसा कर रहा हूँ, 5 से 6 ऑलराउंडर मैं अपनी टीम में हर टीम में ट्राई करूँगा। इसमें देख लो, ट्रैक्टर के साथ मकसूद को वाइस कैप्टन किया है, मकसूद के साथ डॉकरेल को वाइस कैप्टन इस टीम में किया है। डॉकरेल को भी कुछ टीम में रख लेना भैया, डॉकरेल अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग सेक्शन में देके रखा है। हैरी टैक्टर के साथ मार्क अडेयर को इस टीम में वाइस कैप्टन किया है। नेक्स्ट टीम अगर आप देखोगे, हैरी टैक्टर के साथ कर्टिस कैम्पर को वाइस कैप्टन किया है। नेक्स्ट टीम आप देखो, जिशान मकसूद के साथ बिलाल खान को वाइस कैप्टन किया है। फर्स्ट बॉल अगर आ जाती है ओमान की तो बिलाल खान, कुछ विकेट्स हैं, 3-4 विकेट्स भी हो सकते हैं, मकसूद के भी 3-4 विकेट्स हो सकते हैं, तो फिर ये टीम उस कंडीशन में काम करेगी। नेक्स्ट टीम आप देखो, मार्क अडेयर के साथ मकसूद को वाइस कैप्टन किया है। ऑलराउंडर्स देख रहे हो, हर टीम में लगभग मैंने ऑलराउंडर्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किए, और बैटिंग सेक्शन से 2 से 3 बैट्समैन हर टीम में मैंने रखे हैं। बॉलिंग सेक्शन से ज़्यादा चॉइस नहीं है, इसलिए बॉलिंग सेक्शन से कम लिए। मकसूद के साथ बिलाल खान इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन, मकसूद के साथ जतेंद्र सिंह। आज पता है आज सबसे बड़ी गलती लोग क्या करेंगे, आज गलती करेंगे लोग ओमान को वीक समझने की। ओमान को वीक समझेंगे, आयरलैंड के ज़्यादा प्लेयर्स ट्राई करेंगे, वहीं पे फंसेंगे और हम वहीं पे विन करेंगे। ओमान को भाई वीक मत समझना, ओमान भी अच्छी टीम है, आयरलैंड भी अच्छी टीम है, लेकिन कंपैरिजन अगर करोगे ना तो ओमान, आयरलैंड 10 और ओमान 5 नहीं है भाई, आयरलैंड 10 तो ओमान 8 है। ओमान भी बढ़िया टीम है, मैचेस थोड़े से कम खेलती है, प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरीके की कुछ हमारी टीम्स हो रही है। बाकी अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर हल्का सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो भी मेरा दोस्त पहली बार आया वो सब्सक्राइब कर सकता है, लगातार मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा और विनिंग वाली टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो ऐसे ही प्यार बांटते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।